Assalamu alaikum students, my name is Ali Asher and I am here to introduce the first introductory lecture of zoology 402 in the BS 4th semester. And course is Animal Form and Function 1. The course consists of 4 credit hours. 3 credit hours are included in theory and 1 credit hour is included in practical section. So the main contents of the theory are nutrition and digestion, temperature and body fluid regulation, and third one is reproduction and development, and fourth one is descriptive embryology. The first chapter of this course is present in Miller-Harley 5th edition, and it is the 27th chapter of the book. The practical part of the course includes study of digestive system, study of reproductive system, and study of excretory system. These systems are studied with the help of model or with the help of your sample that you can dissect within your lab. The study of hormones with the help of model, the study of developmental stages of different animals like birds, mammals, and echinoderms. These animals can be studied with the help of model. The later part of the practical includes the study of early stages of echinoderms and frog, chick and mammal. Students, अगर हम पहले chapter की बात करें तो पहले chapter जो है nutrition and digestion है, तो किसी भी animal की life का basic part जो है वो almost 2/3 of its life history, it spends on the process of nutrition. Because if an animal doesn't eat, how does it live? So nutrition जो है ये सबसे important part है. For example, अगर हम buffalo को देखें तो buffalo जो है वो almost 6 to 8 hours जो है वो food intake के लिए, grazing के लिए spend करती है, और बाकी क्या जो time बचेगा उसमें उसने उस food को digest करना होता है और अपनी जो sleep है उसको पूरा करना होता है. 2/3 of its life part जो है वो उसने न्यूट्रिशन और डाइजेशन में स्पेंड करना होता है. अब न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन इज अ सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फूड इनटेक, फूड डाइजेशन, फूड अब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ दैट फूड, एंड अल्टीमेटली यूज ऑफ दैट फूड फॉर इट्स बॉडी डिवेलपमेंट एंड अदर प्रोसेसेस. एंड इफ वी टॉक अबाउट न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स वो तमाम कंपाउंड्स होंगे, या आप कह सकते हैं वो तमाम सब्सटेंसेस होंगी जिनको कोई एनिमल इस प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करता है और अपनी मेटाबॉलिक नीड्स, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है. तो वो जो सब्सटेंसेस होगी वो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगी जो कि वो एनिमल यूटिलाइज करेगा. अब अगर एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जो फर्स्ट अडेप्टेड लैंड एनिमल, लैंड ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग क्रिएचर्स थे, वो ऑटोट्रॉफ्स थे. दैट मीन्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते थे. अब ऐसे जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनमें प्लांट्स और ग्रीन एल्जी इंक्लूड किए जाते हैं. एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन के नतीजे में एनिमल्स ऐसे अल्लाह ताला ने क्रिएट किए जो कि हेटरोट्रॉफ्स थे, जो कि फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं करते थे, वो दूसरे सोर्स ऑफ फूड पे डिपेंड करते थे. अब ऑटोट्रॉफ्स में जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन एल्जी और प्लांट्स इंक्लूड किए जाते हैं, उसी तरह हेटरोट्रॉफ्स में एनिमल्स जैसा कि हम खुद जो हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं. अब हेटरोट्रॉफ्स जो हैं जैसे जैसे ही हेटरोट्रॉफ्स इवॉल्व होते गए, जिस तरह के न्यूट्रिएंट्स उनको एनवायरनमेंट से मिलते गए, उसी तरह वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एनिमल्स खुद प्रिपेयर नहीं कर पाए. इसके एग्जांपल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं, वो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें 16 टाइप्स के अमाइनो एसिड जो हैं वो हम ऑब्टेन करते हैं, और 4 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हम खुद बनाते हैं. 4 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हम खुद बनाते हैं. अब न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स की बात की जाए तो न्यूट्रिएंट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स का मेन जो सोर्स है वो प्लांट सोर्स है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. उसके बाद लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं.
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं और हॉर्मोन्स आते हैं। अगर हम बात करें कि एनर्जी जो इनसे ऑब्टेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से या प्रोटीन से, इनसे हासिल होने वाली जितनी भी एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो कैलोरी यूज़ किया जाता है। अब कैलोरी की डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू द 1 डिग्री सेल्सियस। अब कैलोरी जो है हम अपनी डेली लाइफ में जो फूड इस्तेमाल करते हैं जो पैक्ड फॉर्म में होता है, समटाइम्स उसके ऊपर जो उसकी कैलोरी अमाउंट है वो भी लिखी जाती है। अब उस पर जो कैलोरी अमाउंट लिखी जाती है वो किलो कैलोरीज में, या इस कैलोरी को दो टाइप्स के यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक है स्मॉल सी और एक है कैपिटल सी। अब स्मॉल सी मींस यूजुअली कैलोरी, जो कि आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनता है, और कैपिटल सी इट रिप्रेजेंट्स किलो कैलोरीज। तो आपका जो फूड प्रोसेस फॉर्म में आप अगर मार्केट से हासिल करते हैं तो उस पे जो अमाउंट लिखी होती है वो एक्चुअली किलो कैलोरीज में लिखी जाती है। इट मींस दे आर, इफ अगर किसी भी प्रोडक्ट पे फॉर एग्जांपल 50 कैलोरी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है उसके अंदर 50,000 कैलोरीज हैं जो ओरिजिनली इस फॉर्म में आती हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें इनके एनर्जी कंटेंट की, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 4.1 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो मेजर सोर्स है वो प्लांट्स हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज की फॉर्म में या अदर सेलुलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उससे 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑब्टेन की जाती हैं। ये कैलोरीज इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हैं। अब जो लिपिड्स हैं उनके अंदर 9.2 कैलोरीज पर ग्राम होती हैं, ये ऑलमोस्ट डबल अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट से। अब लिपिड्स का जो मेन सोर्स हैं, लिपिड्स के मेन सोर्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्स में आता है प्लांट सोर्सेज जो हैं, जो कि यूजली हम ग्रेन्स की फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, ब्रेड की फॉर्म में। और लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स के लिए जो सोर्स है, लिपिड्स का जो सोर्स है उसके मेन सोर्स में हम ट्राइग्लिसराइड्स और फैट्स हासिल करते हैं, और ये फैट्स जो हैं इनका मेन सोर्स भी प्लांट्स ही होते हैं। और जो प्रोटीन्स हैं उनके सोर्सेज में एनिमल सोर्स भी आते हैं और प्लांट सोर्स भी आते हैं। एनिमल सोर्स में एग्स हैं, मिल्क है, और प्लांट सोर्स में पीज हैं और नट्स हैं। और इसके अगर एनर्जी कंटेंट की बात की जाए तो इसके 1 ग्राम में 4.4 कैलोरीज मौजूद होती हैं, 4.4 कैलोरीज पर ग्राम। अब अगर इन्हीं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के फेट की बात की जाए तो फेट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इस डायग्राम से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है, या वो इन फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च मौजूद होते हैं। अब इनको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है और इसके नतीजे में हम एसिटाइल कोए जो है वो ऑब्टेन करते हैं। उसी तरह लिपिड्स जो है वो न्यूट्रल फैट्स हो सकते हैं, ग्लिसरॉल हो सकते हैं और स्टीरॉइड्स हो सकते हैं। अब ये जो स्टीरॉइड्स हैं ये एनिमल नीड के लिए यूटिलाइज हो जाएंगे, न्यूरल फैट्स और ग्लिसरॉल्स जो हैं वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये कुछ फैटी एसिड्स हैं वो एसिटाइल को ए में चले जाएंगे, और उसी तरह कुछ एनिमल की नीड को कंप्लीट करेंगे, जिस तरह का एनिमल को डिफरेंट ग्रोथ या मेंटेनेंस प्रोसेसेस के लिए, सेलुलर प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड होंगे, लिपिड्स उस तरह यूटिलाइज हो जाएंगे और बाकी जो होंगे वो एनर्जी प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जाएंगे। और प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और कुछ अमाइनो एसिड्स हैं वो एनिमल अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको यूटिलाइज कर लेगा, उसकी कन्वर्जन हो जाएगी एसिटाइल को ए में, और इसमें से कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे, और ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है इसको अगेन हम आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो आपके चैप्टर्स थे
एसिटाइल को ए को यूटिलाइज किया जाएगा क्रैब साइकिल में, और क्रैब साइकिल जो है वो दो तरह से हमको इस कंपाउंड को यूज़ करके डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स बनाए जाएंगे, और ये कार्बन कंपाउंड्स आपकी बॉडी यूज़ करेगी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सेल्स और ग्रोथ ऑफ द सेल्स, और बाकी जो इसका कुछ पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ किया जाएगा, जो कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में या एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ किया जाएगा। मिनरल्स की बात करें तो मैक्रो मिनरल्स में देखें, आप अपने वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैल्शियम जो है उसको बोन एंड टीथ डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है, इसको और इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ करते हैं, नॉर्मल मसल डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, न्यूरॉन फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, सेलर फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जिस तरह आपने न्यूट्रॉन एक्साइटेबिलिटी में इसको देखा होगा कि ये सेल के एक्सटीरियर पार्ट में मौजूद होता है, तो एक्सटीरियर फ्लूइड में इसका इन न्यूरॉन फंक्शन में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके साथ साथ एसिड और बेस बैलेंस जो है, एसिड और बेस फ्लूइड बैलेंस जो आपके बॉडी सेल्स में मौजूद होता है फ्लूइड, उसके अंदर एसिड और बेस पीएच को कंट्रोल करने के लिए आप यूजली कह सकते हैं। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जो कि स्टमच में यूटिलाइज होता है, यूज़ होता है। उसी तरह मैग्नीशियम जो है उसको कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट कोएंजाइम्स में देखते हैं, न्यूरॉन फंक्शन में देखते हैं, मसल फंक्शन में देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज किया जाता है। उसी तरह पोटाशियम को बोन्स डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बोन्स का। ब्लड प्लाज्मा में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल है। उसी तरह फास्फोरस आयन जो है वो सेल्स में मौजूद होता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इसका रोल होता है, न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी में रोल होता है, डीएनए आरएनए का इम्पोर्टेंट पार्ट है, एटीपी प्रोडक्शन में एटीपी एज अ कंपल्सरी पार्ट आपको पता है फास्फेट आयन्स की फॉर्म में मौजूद होता है, और इसके अलावा एनर्जी मेटाबॉलिज्म जाहिर है एटीपी इंक्लूड इसमें इंक्लूड है तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी यूज़ होगा। सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में यूज़ होता है, फ्लूइड एसिड और बेस फ्लूइड में भी फ्लूइड बैलेंस में भी यूज़ होगा, एसेंशियल होगा एक्शन पोटेंशियल के लिए, जो कि न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी में है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए होगा। सल्फर जो है उसको प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म में यूज़ किया जाएगा। अगर माइक्रो मिनरल्स की बात की जाए तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 का कंपोनेंट है, RBCs रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। कॉपर को एंजाइम कंपोनेंट रखा गया है हीमोग्लोबिन में, मेलानिन प्रोडक्शन में, और साइटोक्रोम्स का कंपोनेंट में इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा जो फ्लोरीन है वो आपने डिफरेंट एड्स में भी देखा होगा कि बोन और टीथ डेवलपमेंट में यूज़ होता है, और ये टूथ डिके को रोकता है। उसी तरह आयोडीन थायराइड हार्मोन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का पार्ट है, अगर आयरन ना हो तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ही नहीं होगा। उस तरह मायोग्लोबिन एंजाइम कंपोनेंट और साइटोक्रोम्स में यूज़ होता है। मैगनीज जो है वो की एक्टिवेटर है क्रैब साइकिल का, यूरिया फॉर्मेशन में यूज़ हो जाएगा। मोलिब्डेनम है जो वो डिफरेंट एंजाइम्स का पार्ट है। सिलीनियम जो है वो फैट मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है, और जिंक जो है वो ऑलमोस्ट 70 एंजाइम्स का कंपोनेंट है, और इसको वाउंड हीलिंग और फर्टिलाइजेशन ऑफ एग में ये पार्टिसिपेट करता है। अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन ए है, डी है, ई है और के है, ये फैट सॉल्युबल हैं। उसी तरह वाटर सॉल्युबल की बात की जाए तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C एस्कॉर्बिक एसिड मौजूद है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अगर आपको इस टॉपिक में या इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।